हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 4 द लिविंग वर्ल्ड का। आज की टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, टेक्सोनॉमी हायरार्की, उसमें हमने क्या देखा था, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम। लास्ट में क्या देखा, किंगडम को देखा। तो जो स्पीसीज था वो क्या था, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कैटेगरी, जो भी थी वो कैटेगरी थी तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप था, और जो किंगडम था वो क्या था, बिगेस्ट ग्रुप में आ रहा था। सो आज की टॉपिक और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स में। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स, की, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड से डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स वो सारा टेक्निक्स और प्रोसीजर है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर सके, या फिर हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन होगा, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड, बायोलॉजिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स, ओके, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व एंड कंजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस, दीज आर नोन एज टेक्सोनॉमिक एड्स। तो समझ में आ गया कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, वो सारा टेक्निक्स और प्रोसीजर है जहाँ हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेंस को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। ओके, ये सारा एग्जाम्पल्स हैं इनके, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, की, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। और ये जो जितने भी हैं आपके 9 टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये सब क्या होते हैं, एक सीटू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एक सीटू हुआ। देखो, हमें पता है एक सीटू और एक होता है इन सीटू। इन सीटू वो होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट में ही सारे कंडीशन प्रोड्यूस कराते हैं, उनको उनका सारा जो भी उनका नेचुरल कंडीशन है उनको प्रोवाइड करा करके हम उनको ग्रो कराते हैं, वो हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरी चीज़ क्या हो गई आपकी, एक सीटू कंजर्वेशन। तो एक सीटू कंजर्वेशन क्या हो जाता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उनको कहीं और रखते हैं, उनके उनका जो हैबिटेट का जो भी रहने का तरीका है, जो उनका नेचुरल कंडीशन है रहने का, वो हम सारा इस जगह पे प्रोवाइड कराते हैं, वो होता है एक्स सीटू प्रिजर्वेशन। तो ये जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो सब क्या होंगे, एक्स सीटू प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन, ठीक है, किसकी, तो प्लांट्स और एनिमल्स की, ओके। अब यहाँ पे आपकी एक वर्ड आएगी प्रिजर्वेशन और एक वर्ड आएगा कंजर्वेशन, ठीक है। तो जब हम प्रिजर्वेशन टर्म को यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेशन को अगर हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें समझना होगा कि वहाँ हम डेड स्पेसिमेन को लेंगे, या तो प्लांट के डेड स्पेसिमेन को लेंगे या एनिमल के डेड स्पेसिमेंट्स को लेंगे। और जब हम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ लिविंग स्पेसिमेन के लिए यूज़ करते हैं कंजर्वेशन वर्ड को, या तो वो प्लांट के लिए होगा या एनिमल्स के लिए होगा। आ गई बात समझ में। अब है हमारा सबसे फर्स्ट हर्बेरियम। तो हर्बेरियम भी क्या है, हमने पहले ही देखा है, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा या तो कंजर्वेशन होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, एक सी टू प्रिजर्वेशन प्लांट्स। इट मींस क्या करेंगे हम, जो भी हमारा प्लांट होगा और यहाँ पे प्रिजर्वेशन दिया हुआ, इट मींस हम डेड स्पेसिमेन को लेंगे और प्लांट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि हम किसके डेड स्पेसिमेन को लेंगे, प्लांट के स्पेसिमेन को लेंगे, और वो कैसा होगा, डेड होगा। और वो एक्स सी टू है, इट मींस उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के उनको हम एक दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और उनको सारा वो कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन एक घर जैसा होगा, ठीक है। स्पेसिमेन एक हर्बेरियम एक घर होगा। उस घर में हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से प्लांट को कलेक्ट किया जो डेड हो गया होगा, ठीक है। पहले उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं। कहाँ पे प्रेस करेंगे, तो एक पेपर शीट पर,
इस पेपर शीट को हम हर्बेरियम सीट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बात समझ में आ गई कि हर्बेरियम क्या होता है, एक सीटू प्रिजर्वेशन प्लांट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है। वहाँ क्या करते हैं, किसी प्लांट का डेड स्पेसिमेन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ड्राई करते हैं उसको, फिर उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस कहाँ करते हैं, इस पेपर सीट पे उसको प्रेस करेंगे, ओके। और उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो पेपर शीट है उसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट बोलते हैं। अब देखते हैं हर्बेरियम शीट की क्या कंडीशन है। तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस, इट मीन्स क्या है, ये एक स्टोर हाउस है, घर है, ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट, मैंने डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज 11.5 इंटू 16.5 इंच की। तो ये देखो क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 11.5 और 16.5 इंच की होगी। यहाँ क्या करते हैं, इस साइड में हम जो प्लांट स्पेसिमेन लिया हमने, या सीड हो सकता है, या लीफ हो सकता है, या बार्क हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेस करेंगे, ड्राई करेंगे और इसको पिन कर देते हैं। और इधर जो आपका ये राइट साइड में जगह है, यहाँ हम कुछ लेबल करते हैं। और वो लेबलिंग क्या होती है, तो डेट ऑफ कलेक्शन, कि हमने कौन सी डेट पर उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। सेकेंड इज प्लेस ऑफ कलेक्शन, लाइक उस डेड प्लांट को हमने कहाँ से, कौन सी जगह से कलेक्ट किया है, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम एंड कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया। तो ये सारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर्बेरियम में कुछ कंडीशन दिया रहेगा कि क्या ये हर्बेरियम के कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप आगे बात समझ में, दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी क्या है हमारा, एक्सेप्टेड है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। तो ये सारा हमें याद रखना होगा। तो क्या हो गया, देखा हमने, ये एक हर्बेरियम शीट है, यहाँ राइट साइड में हम क्या करेंगे, लेबल्ड करेंगे और ये सारी लेबलिंग होगी, ओके। दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, ये सारा लेबलिंग क्या कराता है, इसका डिस्क्रिप्शन देगा, बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। अब हम हर्बेरियम का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये क्या करता है, क्विक रेफरेंस देता है हमें टैक्सोनॉमी स्टडीज़ के लिए। जैसे हमें कोई प्लांट के बारे में पढ़ना होगा, अगर वो प्लांट नहीं है तो हमें, हमारे आसपास नहीं है, तो हम हर्बेरियम में जाएंगे, हर्बेरियम शीट को ओपन करेंगे और उस सारे प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हर्बेरियम, इसलिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन यूज़ किया, इट मीन्स यहाँ पे डेड प्लांट को लिया है, इसलिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन यूज़ हुआ है। और क्यों यूज़ करते हैं हर्बेरियम को, हर्बेरियम आल्सो सर्व अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, लाइक ये क्विक रेफरेंस देता है टैक्सोनॉमी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन से हमें पता है कि जब भी हम बॉटनी का नाम लेंगे तो वहाँ पे हम प्लांट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट को कंजर्व कर रहा है। ये भी क्या है, एक्सीटू, आपको पता चल गया एक्सीटू का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लिविंग प्लांट होगा। ये हर्बेरियम में क्या ले रहे थे, डेड प्लांट का स्पेसिमेन ले रहे थे, और कंजर्वेशन हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये लिविंग होगा, लिविंग प्लांट होगा। तो बॉटनिकल गार्डन में देखो, बॉटनिकल गार्डन तो हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं और बॉटनिकल गार्डन से हम काफ़ी ज़्यादा अवगत होते हैं कि क्या होता है वहाँ। तो एक गार्डन होता है जहाँ अलग अलग जगह से प्लांट लाकर ग्रो कराएंगे, ठीक है, ग्रो कराएंगे, जो भी उनका हैबिटेट का नेचुरल उनका कंडीशन था वो प्रोवाइड कराते हैं हम, ठीक है। अब क्या होता है कि वो लिविंग प्लांट हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम कंजर्वेशन को यूज़ किए, तो हमें पता चल गया। अब इस प्लांट का यूज़ क्यों करते हैं, इस बॉटनिकल गार्डन का हम क्या यूज़ करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, कि ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कि कौन सी प्लांट अगर हमें नहीं है तो उस बॉटनिक, अगर हमारे आसपास नहीं है और उस पेड़ के बारे में हमें जानना है तो उस बॉटनिकल गार्डन में जाकर हम देख सकते हैं। कुछ यहाँ भी कंडीशन होगी, यहाँ भी लेबलिंग होगी, तो ये क्या है, ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली नेम, तभी तो हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कुछ बॉटनिकल गार्डन है जो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं, क्या है, फर्स्ट में आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, जो इंग्लैंड में है। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा का है, कोलकाता में ये सिचुएटेड है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन।
एक क्या है आपका थर्ड में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपके लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो अगर आपको बॉटनिकल गार्डन घूमने का शौक हो तो आप ये दो जगह इंडिया में जा सकते हैं, कोलकाता और लखनऊ, लाइक यूपी में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। थर्ड में हमारा म्यूजियम। अब देखो क्या है, एक सी टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन है, इट मीन्स क्या होगा, डेड स्पेसिमेन होगा, किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, आगे बात समझ में। तो ये भी क्या है, डेड है, कि कैसा प्रिजर्वेशन होगा ये, तो डेड स्पेसिमेन, किसका, तो प्लांट्स और एनिमल्स का। तो म्यूजियम्स हैव कंसर्न्स ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, इसको भी हम आगे की स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं म्यूजियम का। ठीक है, तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे यहाँ कि जो भी है, लाइक आपका म्यूजियम में कहाँ हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, तो जार में और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में हम इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की चीज़ है जैसे प्रिजर्व किया है, तो प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमिन मे आल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमिन, इसको हम ड्राई स्पेसिमिन की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, इट मीन्स ये कुछ केमिकल्स होंगे जो उनको प्रिजर्वेशन में हमारे लिए क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। अब है हमारा इंसेक्ट एंड इंसेक्ट आर प्रिजर्व, हम इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो सबसे पहले इंसेक्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करेंगे एंड देन उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं, उसके बाद हम उनको पिन कर देते हैं, पिन करने के बाद उसको हम प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स में उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व कर देते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ। और लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जो है उनको यूजुअली सफर्ड प्रिजर्व होगा। ठीक है, और एक होता है म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, कहीं कहीं जाओगे तो आप देखोगे म्यूजियम्स में बड़े बड़े एनिमल्स के स्केलेटन को रखा जाता है फॉर फ्यूचर स्टडीज और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। हमारा अब क्या है, जूलॉजिकल पार्क। तो पहले क्या था, बॉटनिकल वहाँ यूज़ हो रहा था प्लांट का, अब है जूलॉजिकल, इट मीन्स यहाँ किसका होगा यूज़, तो एनिमल्स, एनिमल्स के लिए है ये। देखो दिया हुआ एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये भी क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है कि आपका बस एनिमल्स के लिए, और किसको लेंगे, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, हम वाइल्ड एनिमल्स के साथ को सारा कंडीशन क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट में होगा। ठीक है, और क्या करते हैं, उनको सारा हम देते हैं जो भी उनका नेचुरल कंडीशन है, जैसे हाथी को लाया तो हमने हम उसको क्या करते हैं, उनके खाना के लिए बड़े बड़े पेड़ पौधे टहनी ला के देते हैं, और जैसे हमने लायन को रखना है, कंजर्व करना है, तो उसको क्या देते हैं, डेली बेसिस पे उनको मीट प्रोवाइड किया जाता है और चेकअप कराया जाता है डॉक्टर से भी अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती, तो यही होती है कंजर्वेशन। अब ये क्यों की जाती है, तो टू लर्न हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जूलॉजिकल पार्क क्यों करते हैं हम, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसके, उनका जो क्या है, हैबिटेट कैसा है और उनका बिहेवियर कैसा है, हम इसको जानने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जूलॉजिकल पार्क्स को जू भी बोलते हैं, तो जू में हम वो सारा नेचुरल हैबिटेट का कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं जो उनका अपना, जहाँ वो वाइल्ड अपने फॉरेस्ट में जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, अब है हमारा की में क्या किसका यूज़ करते हैं, ये एक्स सी टू कंजर्वेशन किसके लिए है, प्लांट और एनिमल्स के लिए है। की बेसिकली बेस्ड होता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ पे, ये जो की है ये बेस्ड होता है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ पे, और इसका भी यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसका, तो प्लांट और एनिमल्स के लिए। ओके, और एक की का एक इम्पॉर्टेंट है कि ये बेस्ड होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, जिसको बोलते हैं कपलेट भी कहते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कलेक्टेड कॉल्ड कपलेट, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस, दैट दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ठीक है, अब ये क्या है, ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, जो स्टेटमेंट क्या करता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको लीड बोलेंगे। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, तो कीज का हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे लिया, ये एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कोई प्लांट है, तो प्लांट में हम देखेंगे
कि क्या है, किसी प्लांट में वास्कुलर टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और किसी प्लांट में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट हुआ, किसी में क्या होगा सीड प्रेजेंट हुआ और किस में क्या हो गया सीड एब्सेंट हो गया, ठीक है। माइनस का मतलब एब्सेंट है, प्लस का मतलब प्रेजेंट है। फ्रूट क्या हुआ एब्सेंट, ठीक है, फ्रूट एब्सेंट हो गया। अब ये कौन से प्लांट में आ सकता है, किस प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वास्कुलर टिश्यू क्या होगा टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर हम टेरिडोफाइट्स एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को लेंगे तो देखो कि क्या होगा कि वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, टेरिडोफाइट्स में, ठीक। तो ये हो गए, तो बेसिकली क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म को क्या करता है रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है। ये अगर फ्रूट प्रेजेंट को लीड कर रहा है तो, और फ्रूट नेगेटिव को क्या कर दिए हम काट दे रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं प्रेजेंट होता है, सीड प्रेजेंट होगा, वास्कुलर टिश्यू क्या होगा प्रेजेंट हुआ, तो ये जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो हम ये इससे समझ जाएंगे, ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं हम इस प्लांट और किसी भी प्लांट और एनिमल्स को की हेल्प से। अब हमारा क्या है कैटलॉग, कैटलॉग फ्लोरा एंड मैनुअल्स और मोनोग्राफ। तो इसमें क्या होता है कैटलॉग, इट इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। ये हो गई आपकी, अब क्या हो गया आपका कि एक फ्लोरा है, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग प्लांट है उस प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो बताता है। ये फ्लोरा बेसिकली एक बुक होगा जहाँ प्लांट के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उस एरिया के बारे में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा उसका हैबिटेट है, उसको उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। अब है एक मैनुअल्स, ये दोनों के लिए होगा, प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए होगा। ये एक एरिया में जो स्पीसीज होगा उसके उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, तो हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इजी होगा इसके लिए। अब है हमारा एक मोनोग्राफी, ये किसी भी टेक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टेक्सॉन। तो ये हमारा क्या हो गया ख़त्म हो गया टेक्सोनॉमिकल एड्स के साथ साथ, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड भी लास्ट होता है यहीं पे। मैं इनके कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, ठीक है, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, टेक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम और जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, उसके बाद क्या कीज, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ को देखा, ठीक है। Hope you guys like this video. Hit the like button, share and subscribe. Thank you.